नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने एक बैठक में हाल ही में हैदराबाद में हुए क्रूर दुष्कर्म और हत्या के मामले पर संज्ञान लेते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में लोगों, विशेषकर महिलाओं को जागरूक किया जाए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि लड़कों को संस्कारवान बनाने और उनकी नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को भी मदद कराने के लिए आगे आना चाहिए। बैठक में राज्य मंत्री को बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में स्थापित वन स्टॉप सेंटर सखी सुचारू रूप से संचालित है और इस सेंटर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, चिकित्सक सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता और अस्थायी रूप से रहने जैसी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इन केंद्रों में साइको सोशल काउंसलर, कानूनी सलाहकार और पैरामेडिकल पर्सन नियुक्त किए गए हैं और इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक एक महिला पुलिस केंद्र स्थापित है जिनके लिए दुर्गा वाहिनी नाम से महिला पुलिस की 30 कंपनियां और 50 दुर्गा वाहिनी वाहन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट।